फोनिक साउंड रीडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, फोनिक साउंड। क्या है? फोनिक साउंड। जैसे ए को हम क्या बोलेंगे? ए। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे? ए। आ भी बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं? आ, है ना। लेकिन ए को हम क्या बोलेंगे? ए का मतलब है ए की मात्रा आएगी। क्या आएगी? ए की मात्रा। और ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। तो जहां भी ए आएगा वहां पे हमें ए का ना यूज करते हुए ए की मात्रा लगाएंगे। क्या आएगी? ए की मात्रा आएगी। फिर आता है बी को क्या बोलते हैं? बा। बी को क्या बोलेंगे? बा। बी को बा, ए को आ, बी को बा, ए को आ, बी को बा। सी को क्या बोलते हैं? का। सी को क्या बोलेंगे? का। कैट। क्या आता है? CAT, कैट। तो हम सी को क्या पढ़ते हैं? सा नहीं पढ़ेंगे, वरना क्या हो जाएगा? सेट। CAT, कैट। CAT, कैट। तो सी को क्या बोलते हैं? का। ए को आ, बी को बा, से लाउड। ए को आ, बी को बा, सी को का, सी को का, डी को डा, डी को डा, ई को ए, ई को ए। ए में कौन सी मात्रा आएगी अब? ई, छोटी ई की। कौन सी आएगी? छोटी ई की मात्रा। ई को हम ए भी बोलेंगे और ई भी पढ़ते हैं, और जब भी ई आता है वहां छोटी ई की मात्रा आती है ना। तो ए को आ, बी को बा, सी को का, डी को डा, ई को ए, है ना। और ई, छोटी ई की मात्रा। एफ को फा, फ्रूट्स। क्या होता है? फ्रूट्स। फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? एफ। समझ में आ रहा है? ए को आ, बी को बा, सी को का, डी को डा, ई को ई, एफ को फा, फा, फ्रूट्स, फा। ठीक है। जी को गा, जी फॉर गा। कुछ लोग जी को जा बोलते हैं, है ना, लेकिन जी को क्या आएगा? गा। जी फॉर गन, जी फॉर गन। तो क्या आएगा? जी को गा। एच को हा, एच का क्या साउंड आएगा? हा। जहां भी एच होता है हेलो, तो क्या आएगा? हा। हेलो कैसे बना? HELLO। क्या होता है? हेलो, है ना। फोन आता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो, ऐसे होता है ना। तो एच से क्या बनता है? हा, है ना, एच से हा। जे से जा, जे फॉर जग, जे फॉर जग। तो जे से जा, जे से जा। ए से आ, बी से बा, सी से का, डी से डा, ई से ई, एफ से फा, फिर जी से गा, एच से हा, आई से ई, जे से जा। इतना क्लियर। फिर पढ़ेंगे के। के फॉर क्या होता है? काइट। के फॉर काइट। तो के से भी क्या होता है? का। के से का। एल से ला। अब देखो यहां आया था हेलो, तो देखो ई आई है, ई का मतलब छोटी ई की मात्रा, और फिर एल मतलब क्या होता है? ला। तो क्या हो गया? हेलो। ओ से ओ, तो क्या हो गया? हेलो। एल से ला, साउंड निकालो, है ना। साउंड निकालोगे तो अपने आप क्लियर होगा किसका कैसा साउंड होता है। एल से ला, एल से ला, एम से मा, मम्मी, मम्मी आता है ना, एम मतलब मा, मा, जैसे हम लिखते हैं मा, कैसे लिखेंगे? एम से मा, और ए और लग गया की मात्रा, तो क्या आ गया? मा। समझ में आया? के से का, एल से ला,
एन से म, एन से ना, क्या होता है एन से ना, मेरा मन नहीं है, बोलते हैं ना मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, मन म न, एम से मा, एम से मा, मन मन, अगर हम मन बोलेंगे तो आ का साउंड आ रहा है ना, मन म अन, आ का साउंड आया तो क्या हो गया म न, और डबल एन कर दिया हमने मान लो मन, ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है एम ए एन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मैन, एम ए एन मैन, लेकिन मैन नहीं करना हमको मन करना है, तो क्या आ गया डबल एन मन, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। फिर क्या आता है ओ, ओ से ओ, ओ से ओ होता है, लेकिन उस ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, क्या होता है ओ की मात्रा यूज करनी है ना, ओ से ओ बट ओ की मात्रा ही। फिर पी से पा, पैरिट, पीजन, पीकॉक, तो पी से पा, क्यू से क्वा, क्यू से क्वा, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, तो क्या हो गया क्यू से क्वा, आर से रा, क्या होगा इसका एग्जाम्पल रैबिट, आर फॉर रैबिट, रेडिश और रेड, अब उसमें आ गया आर ई डी रेड, हम पढ़ते हैं आर ई डी रेड, अब रेड कैसे लिखेंगे, अब ये सोचो आर से क्या बनता है रा, और ऊपर कौन सी मात्रा लगी है ए ई, तो क्या आ जाएगा ई, क्या आएगा ई, फिर डी से क्या बनता है डा, तो शब्द कैसे बनते हैं आर ई डी रेड, समझ में आया। फिर आता है एस से सा, एस से सा, एस से क्या आएगा सा, शिप, क्या आता है शिप, शिप, एस फॉर शिप, सन भी हो सकता है सन, तो सन क्या होता है ये एस यू, और एन से क्या पढ़ा था हमने ना, तो क्या आ गया एस यू एन सन, एस यू एन सन, एस से सा। टी से दो शब्द आते हैं, या तो टी से टमाटर टा, या फिर टा, टा आएगा या फिर टा, जैसे कि हमने पढ़ा टाइगर, इसको हम टाइगर नहीं बोलेंगे, टाइगर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे टाइगर, क्या बोलेंगे टाइगर, तो टी से क्या आता है ता, और टी से क्या आता है ता। फिर आता है हमारा यू, यू से भी क्या आता है अ, यू से क्या साउंड आता है अ, यू से साउंड अ, निकालो साउंड, रखना नहीं है, निकालोगे तो समझ में आएगा, साउंड ऐसा होना चाहिए जो हमारे कानों में सुनाई पड़े, जो हमें अपनी आवाज सुनाई पड़े, तब जाके हमें रीडिंग करना आता है, ठीक है। यू से क्या हो गया अ, यू से अ, वी से क्या होता है व, वी से व, वी फॉर क्या होता है वेन, वी फॉर क्या होता है वेन, तो ये क्या आ गया वी से वेन, तो कैसे पढ़ेंगे वी ए एन, एन से क्या बनता है ना, एन से क्या बनेगा ना, और वी से क्या बनता है व, बी से क्या बनेगा व, एन से क्या बनेगा ना, तो क्या हो गया वैन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच कैसे बोलेंगे हम डब्ल्यू ए टी सी एच, तो क्या हो जाएगा वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉटर ऑल्सो, वेरी गुड, W A T E R, तो क्या हो गया वो, T से टा, T से पढ़ा था अभी टा, और R से रा, तो क्या हो गया वॉटर, W फॉर वॉटर, W फॉर वॉच, हुआ ना। फिर
इसको हम एक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बाय फॉर या आप कहीं भी लिखा है याक, क्या है याक, तो हमने पढ़ा है वाय, इसमें आ रही है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा। आ की मात्रा में क्या आता है? ए। ए को अभी हमने पढ़ा था, ए फॉर आ भी होता है, तो क्या आ गया मात्रा वाय ए, और के को हमने पढ़ा था का, तो क्या हो गया वाय फॉर याक, है ना। तो वाय को क्या बोलते हैं? या। वाय को क्या बोलेंगे? या। जेड फॉर जेब्रा, वाह। जेड को बोलते हैं जा, जेड का साउंड क्या होता है? जा। जेड का साउंड जा, इसे जा नहीं जा, ठीक है। जैसे कि जहाज, जहाज। जेब्रा, जेब्रा कैसे लिखते हैं? जेड ई बी आर ए। अब देखो ये बन गया जे, ई की मात्रा थी छोटी, ई की मात्रा कौन सी थी? छोटी की मात्रा। जे बी से ब्रा, और ये जेब्रा, आर का जो रा है ना वो यहाँ आ गया, जेब्रा, ठीक है। नहीं आता समझ में तो जेब्रा, ये हमने रा इसी में सेट कर दिया था। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। ए से आ, बोलो ए से आ। बी से बा, सी से का। डी से डा, ई से ई, छोटी ई की मात्रा। एफ से फा, जी से गा। एच से हा, आई से ई। जे से जा, के से का। एल से ला, एम से मा। एन से ना, ओ से ओ। पी से पा, क्यू से क्यू, क्यू से क्यू। आर से रा, एस से सा, ई से ता और ता, ता और ता। यू से आ, वी से वा, डब्ल्यू से वा, क्या आएगा वा। एक्स से एक्स, वाई से या, जेड से जा।